Alright, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem, Nir Bismillah, Here नि रहीम गुड बॉय्या ये पढ़ के बताइए क्या लिखा है नीचे साइन कौन सा है कसरा की क्या साउंड है सीन और ई मिलके क्या बना सीन और ई मिलके क्या बना सी सीन कसरा सी बोले सी हाँ सीन और ई मिल के बना सी ठीक है सीन और बना सी शाबाश ये क्या लिखा है बताइए हाँ सीन फतहा सा सीन और आ मिल के बना शाबाश ये क्या लिखा है शाबाश सीन और उ मिल के सु बहुत अच्छा भाई कमाल हो गया ये क्या लिखा है शाबाश सौद और आ मिलके बना सौ शाबाश ये क्या लिखा है पूरा बताए हाँ कसरा क्या बनेगा वो सौद तो फतहा था होता है कसरा की साउंड क्या होती है ये ई तो सौद और ई मिलके क्या बनेगा हा सऊद और ई मिलके क्या बना क्या बना मैं पूछ तो रहा हूं आपसे नहीं वो तो सौद और आ मिलके बना सौ है सौद और ई मिलके क्या बना ई की साउंड सौद में डाले ना तो बनेगा से हाँ से शाबाश ये क्या लिखा है पढ़ के बताएं तो की साउंड तो तो की शक्ल तो मोटे आदमी से मिलती है ये तो कप की तरह शेप है ये कौन सा लेटर है हाँ सौ जब सौद है तो तू साउंड कैसे होगी ये बताएं सौद के अंदर ऊ की साउंड डालें तो के अंदर नहीं सौ दमासू बोले सौ सौ दमासू शाबाश गुड बॉय ये दोबारा पढ़ के बताएं क्या लिखा है शाबाश आगे ये क्या लिखा है क्या बनेगी साउंड आप तो सौद कसरा पड़ी जा रहे हो उस साउंड भी तो बताए ना क्या बनेगी फाइनल साउंड कसरा की क्या साउंड है ये बताएं तो सौद और ई के क्या बना सौद सौद और ई के क्या बनेगा सौद में ई की साउंड डालनी है अच्छा मैं आपको बताता हूं बा कसरा क्या होता है शाबाश ता कसरा क्या होता है शाबाश सा कसरा क्या होता है सा कसरा सी नरमी के साथ कचरा सी तो फिर सौद कसरा क्या होगा होटो को गोल करके हैवी करना है इसको सौत कसरासी शाबाश ये बताइए क्या लिखा है तो की शेप तो मोटे आदमी से मिलती है ये तो कब जैसी शेप है ये देखो ये ऊपर साइन देखे गौर से बेटे जी बताएं आप देखकर क्या लिखा है बेटे कसरा ये था ये वाला हाँ सौ दम्मा क्या होगा सौ दम्मा क्या है अच्छा दम्मा की क्या साउंड है ये बताएं जी दम्मा की क्या साउंड है दम्मा की साउंड है ऊ बोले दम्मा की साउंड है ऊ हा ये साइन कौन सा है साइन बताएं कौन सा है दम्मा की क्या साउंड है हाँ तो सौद और ऊ मिलके क्या बना सौद और ऊ मिलके क्या बना ओ मिल के क्या बना और ओ मिल के बना सू। अच्छा, आपको मैंने होमवर्क दिया आपने किया था असाइनमेंट किया था क्यों क्या वजह बनी रिवाइज किया था तो मुझे आपने वॉयस क्यों नहीं सेंड की अच्छा जी ये, ये क्या लिखा हुआ है ज़रा ये बताएं ये आपको नींद बहुत आ रही है आज <laughs> नींद बहुत आती है भाई ये क्या लिखा है ऊपर साइन क्या है तो सौ दम्मा क्या बनेगा हम्म दम्मा की क्या साउंड है शाबाश सौ दम्मा सु गुड बॉय बहुत अच्छा बताया अच्छा ये कौन सा लेटर है हा के ऊपर साइन कौन सा है दम्मा की क्या साउंड है मैं पूछ रहा हूं दम्मा की क्या साउंड है ऊ तो हा और उ मिलके क्या बना हा में उ साउंड डालनी है लास्ट में तो क्या बनेगा अच्छा ये बताओ बाद अम्मा क्या होता है शाबाश हादम हू अच्छा जी ये क्या लिखा हुआ है शाबाश ये क्या है ये देखो ये साइन कौन सा है बेटे फता की क्या साउंड है ये बताए तो हा और आ मिलके क्या बना हा तो फिर हा फता क्या होगा शाबाश हा फता हा बहुत अच्छा बताया आपने अच्छा जी ये बताइए कौन सा लेटर है ये हमजा तो नहीं है ये ये तो हा है हा नरम नरम वाला हा है हा कसरा ही शाबाश ये क्या लिखा है हा फता हा शाबाश और ये क्या लिखा है हा दम्मा शाबाश दम्मा की क्या साउंड होती है नहीं दम्मा वो तो फतेह की साउंड है दम्मा की क्या साउंड है स्क्रीन की तरफ देख के बताएं दम्मा की क्या साउंड होती है दम्मा की साउंड होती है ऊ बोले ऊ क्या होती है तो हा और ऊ मिलके क्या बना हा और ऊ मिलके क्या बना हाँ मैं ऊ की साउंड डाले आप तो नीचे देख रहे हो और हाथों से खेल रहे हो स्क्रीन की तरफ तो आप देख नहीं रहे हाँ और ऊ मिलके क्या बना मैं पूछ रहा हूं हु, 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 हु. हाँ इधर स्क्रीन की तरफ देखें ना आप तो नीचे देख रहे हैं और रूल तोड़ रहे हैं आप रूल तोड़ रहे हैं अभी रूल्स में था दाएं बाएं नहीं देखना स्क्रीन की तरफ देखना इधर उधर नहीं देखना स्क्रीन की तरफ देखना अच्छा ये बताएं ये क्या लिखा हुआ है दोबारा बताएं शाबाश और आगे क्या लिखा हुआ है? नहीं ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है वो पढ़े ना नहीं फता की क्या साउंड है एक मिनट मैं पूछ रहा हूं आपसे फता की क्या साउंड है तो हा और आ मिलके क्या बना अच्छा बा और बा और आ मिलके क्या बना बा और आ मिलके क्या बना हम्म ठीक है शाबाश ता जीम और आ मिलके क्या बना शाबाश हा और आ मिलके क्या बना ऊ हाँ। किधर से आया जब बा और आ मिलके बना बा जीम और आ मिलके बना जा तो हा और आ मिलके बना हा हा शाबाश ये क्या लिखा है ये बताएं? हाँ हाँ हा दमाहू शाबाश गुड बॉय अच्छा जी ये क्या लिखा है अच्छा अच्छा मैं आपको बताऊं अलिफ के ऊपर जब कोई भी साइन आए तो वो हमजा में तब्दील होता है उसको हमजा कहेंगे अलिफ नहीं कहेंगे ठीक है हाँ शाबाश और ये क्या लिखा है शाबाश और ये क्या लिखा है बहुत प्यारा बताया भाई वो कमाल कर दिया आज याहिया ने कमाल किया लेकिन याहिया जब आप असाइनमेंट करते हो उसकी ऑडियो भी तो सेंड किया करो ना मुझे ठीक है हम्म अब आप अब आपके पॉइंट्स होंगे भाई आपने तो बहुत अच्छा पढ़ा है कमाल किया है Shady. ये क्या हो रहा है क्यों बार बार ऐसे कर रहा है अच्छा यही आपने कितनी नमाजें पढ़ी एक नमाज पढ़ी आपके फाइव पॉइंट्स हुए अच्छा जी टेन पॉइंट्स आपने क्लास पढ़ी है अच्छा रात को आप टाइम से सोए थे टेन पॉइंट उसके हो गए वो प्रॉमिस तो नहीं तोड़ा फाइटिंग तो नहीं की ठीक है अम्मी की मदद की आपने शाबाश टेन पॉइंट घर में कोई मेहमान आए थे झूठ तो नहीं बोला आपने नो नैप लिया था ओ अच्छा ठीक है लेसन आपने अच्छा पढ़ा असाइनमेंट मुझे भेजा ही नहीं आपने वरना मैं उसके पॉइंट्स आपको दे देता मुझे आप होमवर्क भेजते ऑडियो तो मैं आपको पॉइंट्स देता उसके अच्छा आपने अपने अम्मी अबू की यमुना की इज़्ज़त की ओके तस्वीर पढ़ी थी आपने अच्छा वॉशरूम की दुआ पड़ी थी हाँ शाबाश कुरान वीडियो देखी थी अच्छा शाउटिंग तो नहीं की नहीं की है अब मुझे आप ऑडियो भेजोगे तो उसके भी मैं आपको पॉइंट्स दूंगा असाइनमेंट के ठीक है अब अभी आपके सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी पॉइंट्स हो गए हैं भाई कमाल हो गया भाई कमाल हो गया और यहाँ इनशा कल बात होगी वालेकुम रहमतुल्लाह